नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI अप्रेंटिस भर्ती 2023 अधिसूचना जारी की है। पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर 2023 को बंद हो जाएगी। यह भर्ती अभियान संगठन में 6160 पदों को भरेगा। जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इसे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परियोजना के तहत उम्मीदवार केवल एक बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। हाल ही में भाला फेंक में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। जर्मनी में ज्यूरिख डायमंड लीग में उन्होंने 85.71 मीटर तक भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर चेक रिपब्लिक के याकूब वाल्देज 85.86 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी के जूलियन वेवर ने जीता। उन्होंने 85.04 का अपना बेस्ट थ्रो किया। आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। हालांकि कटौती कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 1 सितंबर को कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट कर दिया है, जिसमें 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 157 रुपए की कमी की गई है। इस बदलाव के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 1522.50 रुपए हो गई है। इससे पहले बढ़ोतरी के साथ 4 जुलाई को 1780 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहुंच गए थे। आज 1 सितंबर से ATF के दाम में भारी इजाफा हो गया है और इसकी कीमतों में 18% का भारी भरकम बढ़त के साथ नए रेट लागू हो गए हैं। अगर आप त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने जा रहे हैं तो आपको हवाई टिकट महंगा मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि हवाई ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस को भी अपनी फ्लाइट के टिकट के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ATF के दाम 20,295.2 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ गए हैं और इसके दाम 1.12 लाख रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में हवाई ईंधन या जेट फ्यूल के रेट बढ़कर 1,12,419.33 रुपए प्रति किलोमीटर तक जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ का हाल ही में इंडिगो के विमान में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। पूजा शाह नामक एयर होस्टेस ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वह सोमनाथ का स्वागत करते हुए कहती हैं, हमारी उड़ान में राष्ट्रीय नायक इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का होना खुशी की बात है। इंडिगो की एयर होस्टेस ने अनाउंस किया, देश के राष्ट्रीय नायकों को हमारी फ्लाइट में होना हमेशा गर्व की बात होती है। सर, विमान में आपके सवार होने पर हमें गर्व है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। सीएम अशोक गहलोत कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर यह परिवाद दायर कराया गया है। कोर्ट ने परिवार को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल बीते 30 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में इतना भ्रष्टाचार है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं, वह जो लिखकर लाते हैं वही फैसला आता है। देश के मजबूत व्यापक आर्थिक आंकड़ों के बीच आज शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 82.61 पर पहुंच चुका है। वहीं विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार विदेशी फंडों के बहिर्वार और कच्चे तेल की कीमत 87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास होने की वजह से रुपए पर असर पड़ा। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून अवधि के दौरान 7.8% का GDP वृद्धि दर्ज किया है। सिंगापुर वासी एक दशक से भी अधिक समय बाद देश के 9वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थर्मन सनमुगरत्नम भी रेस में शामिल है। सुबह 8 बजे मतदान केंद्र खुलने के साथ योग्य मतदाताओं ने अपने मत डालना शुरू कर दिया है। 27 लाख से अधिक सिंगापुर वासियों के मतदान करने की उम्मीद है। मतदान केंद्र रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम अब आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रपति सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। हालांकि इस फैसले से विपक्षी दल खासकर कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज है। उसकी ओर से लगातार मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा। हाल ही में कांग्रेस ने कहा था कि नाम बदलने से बीजेपी इतिहास नहीं बदल सकती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया है, जो इससे जुड़े सभी बिंदुओं पर चर्चा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कमेटी की कमान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संभालेंगे। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस संबंध में कोई बिल ला सकती है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी देश के महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर होने वाले प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रहा है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। इस मिशन को 2 सितंबर को पूर्वाहन 11:50 बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाना है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रचंड गर्मी के दिनों में एसी की ठंडी हवा खाएंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में एसी फ्रिज टीवी निर्धारित किराए पर लेकर लगाने का निर्णय लिया है। किराए का भुगतान प्रतिमाह स्कूलों के छात्र और विकास कोष से लिया जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी भी तय कर ली गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने राज्य सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कहा है कि सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ होम एंड ऑफिस अप्लायंस से प्रतिमाह किराए पर स्कूलों में एसी और टीवी लगवाए जाए। घर घर में टीवी शो बालिका वधू से अपनी बड़ी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी साल 2016 में अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाई गई थी। इस केस में एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह का नाम सामने आया था, जिसमें यह कहा गया जा रहा था कि राहुल ने प्रत्युषा को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। वहीं इस केस में अब 8 साल बाद मुंबई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल सिंह की आरोप मुक्ति की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस बारे में कहा कि बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवाएं के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वह भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास के साथ साथ रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को गुरुवार को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति 1 सितंबर से 31 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगी। शाहरुख खान की फिल्म जवान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने का फैंस इंतजार कर रहे थे। विदेशों में तो कुछ समय पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और अब आखिरकार इंडिया में भी जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शाहरुख खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी बात की जानकारी दी है। शाहरुख ने जवान के ट्रेलर के साथ ही बताया था कि शुक्रवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से ट्रांजैक्शन के मामले में अगस्त में जबरदस्त रिकॉर्ड बना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि UPI के जरिए पहली बार अगस्त में लेन देन का आंकड़ा 7 अरब के पार पहुंच गया है। NPCI के आंकड़े के अनुसार UPI के जरिए मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 10 अरब को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त तक UPI से मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 10.24 अरब पर पहुंच गया था। S&P ग्लोबल के हालिया सर्वे के मुताबिक अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र के परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI का आंकड़ा 58.6 पर रहा है। पिछले महीने यानी जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा 57.7 पर रहा था। अच्छी खबर यह है कि पिछले 3 महीने को उच्च स्तर है। जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा 57.8 पर रहा था, वहीं मई में भी मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा अच्छी तेजी के साथ 57.8 पर रहा था। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र की गतिविधि लगातार 26वें महीने 50 के प्रमुख स्तर से ऊपर है, जो विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार को दिखाता है और इस बात का संकेतक है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति सुधर रही है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप की प्रशंसा की है। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, न मिला हूं, लेकिन जब वह अपने संयुक्त सत्र के लिए आए थे उससे एक सुबह पहले मैं वहीं रुक गया। वहां उपस्थित लोगों में से एक ने मुझे अपने अतिथि के रूप में बुलाया था और इसलिए मैं वहीं रुक गया। मैंने पीएम मोदी का संबोधन सुना। एक नेता के रूप में मैं उनसे प्रभावित हूं। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। भारत की बात करें तो लोग लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बीच लोकल सर्कल के एक सर्वे में कोविड संक्रमण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वेक्षण में शामिल हुए 63% भारतीयों में कोरोना का लक्षण पाए गए हैं। वहीं 22% लोगों को कोरोना ने बार बार अपना शिकार बनाया तो 20% लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इस सर्वे में जिन लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई उनमें से 93% को कोरोना का यह संक्रमण 2022 में हुआ था, जबकि 46% पीड़ितों को इसने 2023 में अपना शिकार बनाया। बिहार में हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 में मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण इस साल नवंबर और छपरा हाजीपुर NH 19 का निर्माण जून 2024 में पूरा होने की संभावना है। इन दोनों सड़क परियोजनाओं का काम जल्द पूरा करवाने को लेकर हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अनुरोध किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करवाने का निर्देश दिया है। दोनों परियोजनाएं करीब 10 साल से अटकी हुई हैं।
भारत के नए शतरंज सुपरस्टार प्रज्ञा नंदा का शुक्रवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने निवास पर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा नंदा इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व हो गए। वह मानसिक रूप से काफी मजबूत है। उसकी चाल इतनी तेज और मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी तैयारी काबिल तारीफ होती है। मैं उसे बधाई देता हूँ। 10 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनना और 16 वर्ष की उम्र में मैग्नस कार्लसन को हराना बड़ी उपलब्धि है। उसने पिछले कुछ साल में काफी मेहनत की है और इसमें उसके माता पिता की भी अहम भूमिका है। मणिपुर में भड़की हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरी कॉम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों युद्धरत समूहों को कोम गांव में घुसपैठ से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मदद चाहते हैं। उन्होंने भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य बलों के सभी तैनात दलों से अनुरोध किया कि वे सुरक्षा संबंधित मामलों में निष्पक्ष रहें और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने में सफल हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज यानी शुक्रवार को मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए गए युद्धपोत महेंद्रगिरी के लॉन्च समारोह में मुख्य अतिथि रहे। यह 75% स्वदेशी है। इसका डिजाइन भी स्वदेशी है और इसका स्टील भी स्वदेशी है। 6600 टन वजनी ये फ्रिगेट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन, एंटी सर्फेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस, एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वर्णुशास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस होगा। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का सातवां और आखिरी जंगी जहाज है, जिसका नाम ओडिशा के पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ साल 1995 के एक डबल मर्डर केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए बाकी लोगों को बरी कर दिया था। आरोपों के मुताबिक प्रभुनाथ सिंह ने दूसरी पार्टी को वोट देने वाले दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत और फिर पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। भारत सरकार लद्दाख के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 301 पर कारगिल जंस्कर इंटरमीडिएट लेन पर सड़क निर्माण करवा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसकी कई तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने लिखा, लद्दाख में हम राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर कारगिल जंस्कर इंटरमीडिएट लेन को अपग्रेड कर रहे हैं। परियोजना की कुल लंबाई 31.14 किलोमीटर है और पैकेज 6 के अंतर्गत आती है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों में यात्रियों और माल दोनों के लिए एक विश्वसनीय और सुलभ आवाजाही लिंक प्रदान करके क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए रखती है। पंचांग के अनुसार इस साल कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर को यानी कल रखा जाएगा। कजरी तीज के दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक कजरी तीज व्रत के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत पूजा के दौरान हरे या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वहीं इस दौरान काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। राजभवन सचिवालय की ओर से एक पत्र तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजा गया है, जिसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति और अधिकारी राजभवन के निर्देश के अलावा किसी अन्य स्तर पर जारी निर्देश का पालन नहीं करेंगे। राजभवन सचिवालय की ओर से सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि राज्यपाल सचिवालय और राजभवन के निर्देश के अलावा किसी अन्य स्तर पर जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करें। ये पत्र राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चंगतू ने जारी किया है। अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने उस जगह को खोज निकाला है जहां रूस का चंद्रयान लूना 25 क्रैश हुआ था। उस जगह पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भारत के चंद्रयान से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था, लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने के दौरान उसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। बाद में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हो गया। नासा के LRO स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर एक नए क्रेटर का खोजा है। नासा ने देखा है कि जहां एक स्पेसक्राफ्ट गिरा था वहां एक बड़ा क्रेटर बन गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिली, जहां उनकी अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उनके वकीलों के मुताबिक कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर यह राहत दी है। दरअसल जब जैन दिल्ली के मंत्री थे तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। इसकी जांच ईडी कर रही थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और करीब एक साल तक वो जेल में रहे। वहां पर उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनको यह जमानत स्वास्थ्य कारणों से दी गई। एशिया कप 2023 में जबरदस्त कॉम्पिटिटर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में इंडियंस भी श्रीलंका के कैंडी पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि कैंडी स्टेडियम के आसपास होटल और रेजिडेंस सभी की बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है, इसलिए बहुत से क्रिकेट फैंस को होटल मिलने में अब परेशानी हो रही है। वहीं इस मैच की टिकटें बिक जाने के कारण भारत पाकिस्तान मैच को लाइन में न देख पाने से भी बड़ी संख्या में फैंस मायूस हैं। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, एच के शर्मा, नवल कुमार, नौशद अंसारी, मौसमी, अनसुप्रिया, दीपक कुमार, अफीका, परवीन, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सड़कों की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।